प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस ग्रीत कौशिक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में बनने वाले प्रेम विभाग के योग के बारे में। जब मैं जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं तो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि शास्त्री जी हमें ये बताइए, हमारी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह का योग बना है या फिर नहीं बना है, हमें प्रेम विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि हम प्रेम विवाह कर लेते हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा या दुखमय व्यतीत होगा। वर्तमान समय में जो प्रेम हमारा चल रहा है, क्या शादी के बाद भी ये प्रेम ऐसे ही रहेगा या फिर हमें धोखा मिलेगा। बहुत सारे माता पिता भी ऐसे होते हैं, जब वो अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं तो वो भी पूछ लेते हैं कि शास्त्री जी हमें ये बताइए, हमारा बच्चा हमारी मर्जी से शादी करेगा या फिर खुद की मर्जी से शादी करेगा। आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, यदि आपने इस जानकारी को अच्छे से समझ लिया, थोड़ा सा दिमाग आपने लगा लिया, तो फिर आप अपने घर बैठे बैठे ही ये पता कर पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है, आपको प्रेम विवाह करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर एक जन्म कुंडली का चार्ट देख पा रहे होंगे। ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं ये मेष लग्न की जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी जो जन्म कुंडली है वो किसी भी लग्न की हो सकती है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव में 1 से लेकर के 12 तक का कोई भी अंक लिखा हो सकता है। आपने विशेष रूप से जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखना है और जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखना है। अब जन्म कुंडली का पंचम भाव कौन सा होता है? इस जन्म पत्रिका में जहां पर 5 का अंक लिखा हुआ है वही जन्म पत्रिका का 5वां भाव होता है, और जहां 7 का अंक लिखा हुआ है वही जन्म पत्रिका का 7वां भाव होता है। आप अपनी जन्म पत्रिका में देख लीजिए, जो भी पंचम भाव बनता है उस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, और जो 7वां भाव बनता है उस 7वां भाव में कौन सा अंक लिखा गया है। ये जो पंचम भाव और सप्तम भाव है, इन भाव में 1 से लेकर के 12 तक का कोई भी अंक लिखा हो सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस पंचम भाव का स्वामी कौन बनता है और सप्तम भाव का स्वामी कौन बनता है। ये आप कैसे पता कर पाएंगे? आप जन्म पत्रिका का जो चार्ट देख पा रहे हैं इसके बराबर में एक टेबल आपको दिखाई पड़ रही है, 12 अंक लिखे गए हैं 1 से लेकर के 12 तक, और उसके सामने राशियां और उसके सामने ग्रह लिखे गए हैं। अब जो भी अंक आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में सप्तम भाव में लिखा हुआ है उस अंक के सामने आप देख लीजिए कौन सी राशि लिखी गई है और उस राशि के सामने कौन सा ग्रह लिखा गया है। बिल्कुल आप ध्यान से इसको देख लीजिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि थोड़ा सा ध्यान से आप देख लोगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है। प्रिय दर्शकों, प्रेम विवाह को 2 प्रकार से समझा जाता है। पहला, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं, आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है, उसके बाद अपने माता पिता को बताते हैं, माता पिता एग्री हो जाते हैं और विधि विधान से उनकी शादी कर देते हैं। दूसरा, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं, आपस में समझते हैं, विश्वास हो गया है, सारी बातें उनके बीच में फिक्स हो चुकी हैं, उसके बाद माता पिता को बताते हैं, माता पिता उसके लिए राजी नहीं होते हैं और वो बच्चे माता पिता के खिलाफ होकर के कोर्ट में जाकर के शादी कर लेते हैं। अब ये दोनों ही प्रकार के योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से देखे जाएंगे,
वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ सूत्र हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ये सूत्र आप अपनी जन्म पत्रिका में अप्लाई करके जरूर देखें। पहला सूत्र, यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर के बैठ जाए, या फिर जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाए, तो ये हुआ प्रेम विवाह का एक प्रबल योग। यदि इस योग पर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो फिर ऐसे में माता पिता एग्री हो जाते हैं और विधि विधान से शादी कर लेते हैं। और यदि इन योगों पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो फिर ऐसे में माता पिता एग्री नहीं होते हैं, ये कोर्ट में जाकर के शादी करने की कोशिश करते हैं। और ये जो कोर्ट में जाकर के शादी करते हैं बच्चे, ये शादी सफलता तक नहीं पहुंच पाती है। शादी होने के बाद जो वैवाहिक जीवन है वो दुखमय व्यतीत होता है, पूरा वैवाहिक जीवन दुखों से भर जाता है और शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, बाद में रोना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए यदि किसी पापी ग्रह की दृष्टि इस योग पर आ रही है, तो फिर ऐसे में शादी मतलब प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो भले ही आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। दूसरा सूत्र, यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी दोनों ही युति बना करके एक ही भाव में बैठ जाएं, यानी कि दोनों ही इकट्ठे बैठ जाएं, तो भी प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बनता है। लेकिन वही बात, इस युति पर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शुभ ग्रह की दृष्टि यदि इस पर आ जाती है, तो फिर ये प्रेम विवाह सफल हो जाता है, आपका जो विवाह है वो सुखमय व्यतीत होता है, और ऐसे में जो आपके माता पिता हैं वो भी एग्री हो जाते हैं और विधि विधान से आपकी शादी हो जाती है। और यदि पापी ग्रह से ये युति दृष्ट हो जाती है, तो फिर कोर्ट मैरिज आप करते हैं, और वही बात, वैवाहिक जीवन दुखमय व्यतीत होता है, आपकी शादी कुछ दिनों के बाद टूट जाती है। अब ये युति कौन कौन से भाव में बननी चाहिए, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। यदि पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही आकर के बैठ जाएं, यानी दोनों ही ग्रह पंचम भाव में आकर के बैठ जाएं, तो ये प्रेम विवाह का बना एक प्रबल योग। यदि यही युति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बन जाए, तो भी प्रेम विवाह का प्रबल योग बनता है। और यदि यही युति जन्म कुंडली के नवम भाव में, जन्म कुंडली के दशम भाव में, जन्म कुंडली के एकादश भाव में, जन्म कुंडली के पहले भाव में, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बन जाए, तो भी प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बनता है। बस शर्त यही है कि शुभ ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर होनी चाहिए। यदि यही युति जन्म कुंडली के छठे भाव में बन जाए, या फिर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बन जाए, या फिर जन्म कुंडली के द्वादश भाव में, या फिर तीसरे भाव में, या फिर चौथे भाव में बन जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। प्रेम विवाह का योग तो बनता है, लेकिन ये एक ऐसा योग है कि विवाह होने के बाद विवाह टूट जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेम विवाह के बारे में आपने नहीं सोचना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप अपनी जन्म कुंडली में ये सूत्र अप्लाई करके भली भांति जान पाएंगे कि आपको प्रेम विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रेम विवाह के योग बनते हैं या नहीं बनते। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।